Hey guys, welcome back to a new video. BlueStacks 5 मेन्यू अपडेट के बाद एयरप्लेन मोड का एक फीचर ऐड किया गया है। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इस वाले फीचर को टेस्ट करने वाले हैं। एयरप्लेन मोड को ऑन करने के बाद आप लोगों को गेम में कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। एयरप्लेन मोड वाला फीचर जो है वो काफी यूजफुल होने वाला है, बिकॉज जब भी गाइज आप लोग एयरप्लेन मोड को ऑन करोगे तो जो एड वाली सर्विसेज होती है, जो बैकग्राउंड पे चल रही होती है, वो बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप लोगों को गेम में ना तो कोई लैग आएगा, आप लोगों की गेम जो है वो अल्ट्रा स्मूथ चलेगी। सो गाइज, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि BlueStacks 5 को आप लोग ओपन करने के बाद अगर आप लोगों ने अपडेट नहीं किया तो इसको अपडेट कर लेना है, जिसके लिए सिंपली से आप लोग BlueStacks की जो सेटिंग्स होती हैं इनको ओपन करेंगे। अबाउट में आने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास इसकी जो लेटेस्ट वाली अपडेट है वो यहाँ पे शो होगी। सिंपली से आप लोग डाउनलोड अपडेट पे क्लिक करेंगे, आप लोग रीडायरेक्ट होंगे ब्राउजर में, यहाँ पे एक स्मॉल सी फाइल होगी जो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद सिंपली से हम लोग उसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आप लोगों के पास अपडेट का एक ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली से आप लोग अपडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसकी जो फाइल्स होंगी वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। बैकग्राउंड से गाइस हम लोग BlueStacks 5 को बंद कर देंगे और यहाँ पे इसको अपडेट कर लेंगे। इसका जो अपडेट वाला प्रोसेस होगा, इसको अपडेट होने में 25 से 30 मिनट लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों के पास एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन हो जिसमें 10 MB की स्पीड हो तो फिर इस वाले प्रोसेस को आप लोगों को 30 से 35 मिनट लग सकते हैं। जैसे ये अपडेट डाउनलोड होगी तो यहाँ पे हमारे पास एमुलेटर ओपन हो जाएगा। एमुलेटर ओपन होने पे राइट साइड पे ये जो टूल बार है इस पे आप लोगों के पास एयरप्लेन मोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको हम लोग सिंपली से ऑन कर लेंगे। अनेबल करने के बाद सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन गेम्स को ट्राई करके देखने वाले हैं कि क्या ये ऑनलाइन गेम्स पे काम करता है या फिर नहीं। सिंपली से यहाँ पे अगर मैं फ्री फायर को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसमें डाउनलोड फेल वाला इशू आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आप लोग ये जो एयरप्लेन मोड है इसको आप लोग ऑनलाइन गेमिंग में यूज नहीं कर सकते। लाइक ऐसी गेम्स जिनको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है, फ्री फायर होगी, पबजी होगी, उसमें आप लोग एयरप्लेन मोड को यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन गाइस जितनी भी ऑफलाइन गेम्स हैं, जैसे सबवे सर्फर्स होगी, कैंडी क्रश होगी, या जितनी भी दूसरी गेम्स हैं जिनको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती, उन गेम्स को आप लोग एयरप्लेन मोड को ऑन करने के बाद इजीली खेल सकते हो। बिकॉज जब भी आप लोग इसमें एयरप्लेन मोड को ऑन करोगे या फिर किसी भी एमुलेटर में अगर आप लोग एयरप्लेन मोड को ऑन करते हो तो आप लोगों का जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो बंद हो जाता है। सो अगर आप लोगों ने BlueStacks में कोई ऑफलाइन गेम को प्ले करना हो तो आप लोग इस वाले फीचर को यूज कर सकते हो। आप लोगों की गेम में ना तो कोई ऐड आएगा, बल्कि आप लोगों की जो गेम होगी वो काफी स्मूथली चलती रहेगी। फिर भी गाइस अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।